इस पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी गोल सेटिंग हुई है सबसे बड़ी शानदार भयंकर जिससे आप और हम सीख सकते हैं यहां से ले जा सकते हैं वो हुई है द गोल सेटिंग बाय जापान क्योंकि तीन लाख लोगों का मर जाना उन्नीस सौ में एक बहुत बड़ी घटना है वो भी दो दिन के अंदर बम गिरा दिया किसी ने आज भी रेडिएशन फील की जाती है अगर आप जापान में हिरोशिमा चले जाएं या 1950 में जापान ने गोल सेट किया विल बिकम द नंबर वन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट टेन ईयर ध्यान से सुनना मेरी बात ये बातें गूगल पे अवेलेबल है मैं कुछ नया नहीं बता रहा तुम लोगों को अगर आप बाहर जाएं तो मेरी गाड़ी है तीन हज़ार नंबर उसमें मेरा एक डायरी है छोटा सा जहाँ पर मेरे कुछ गोल्स हैं कि मुझे ज़िंदगी में अब करना है अब ये करना है अब ये करना है अब ये करना है गोल पुल करते हैं आपको यार गोल आपको खींचते हैं नहीं तो वो ट्रेड मिल पर भागने जैसा ही है यार कि जिम में आदमी ट्रेडमिल पर भाग रहा है सला पहुँच का नहीं रहा वही कहानी है गोल बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उस दिन भी अपना वेबिनार में एक चीज सबको समझा रहा था कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी गोल सेटिंग हुई है सबसे बड़ी शानदार भयंकर जिससे आप और हम सीख सकते हैं यहां से ले जा सकते हैं वो हुई है द गोल सेटिंग बाय जापान इन 1950। इस दुनिया में सबसे बड़े आक्रमण हुए अमेरिका ने जापान पे दो बम गिराए हिरोशिमा एंड कमाना सर अप्रोक्सीमेटली लाख लोगों की मौत हुई पहले दो दिन के अंदर प्रॉब्लम क्या है हमको पता है सीख क्या रहे हैं दैट्स मोर इंपॉर्टेंट होता क्या है इससे ये समझाता हूं बम्बार्डमेंट किया अमेरिका ने दो बम गिराए हिरोशिमा नागासाकी पे लाख लोग मर गए 1945 से लेकर 1950 तक करीब करीब पांच साल जैपनीज लोग शेल में ही थे अपने उनको कुछ समझ ही नहीं आया कि साला हमारे साथ ये क्या हो गया पूरी कंट्री डिप्रेशन में जा चुकी थी इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी कुछ आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा था अपने ही लोग साले अपने ही देश के प्रति मतलब उनका भाव ही अजीब हो गया था कि हम सही देश में हैं या खराब देश में गवर्नमेंट कुछ करना ही नहीं सब डिप्रेस हैं सब गिरे हुए हैं मनोबल गिरा हुआ है सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन है चार पांच साल जैपनीज ने निकाले आफ्टर बंबारमेंट क्योंकि तीन लाख लोगों का मर जाना उन्नीस सौ में एक बहुत बड़ी घटना है वो भी दो दिन के अंदर बम गिरा दिया किसी ने आज भी रेडिएशन फील की जाती है अगर आप जापान में हिरोशिमा चले जाएं या चले या नागासाकी तो उसकी रेडिएशन आज करीब करीब कर तो बच बच्चे पैदा हुए उनको भी कोई ना कोई रोग लग गया बिकॉज ऑफ द रेडिएशन तो पांच साल वो पूरा का पूरा मिल्क दोस्त खत्म था कब तक चलेगा कब तक ऐसे सर लटका के बैठे रहेंगे लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे लोग अपने देश से मोहब्बत करना छोड़ चुके हैं क्योंकि हम लीड नहीं कर रहे उन्होंने बोला करें क्या उन्होंने बोला एक काम करो गोल सेट करते हैं यार 1950 में जापान ने गोल सेट किया विल बिकम द नंबर वन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट टेन ईयर ध्यान से सुनना मेरी बात ये बातें गूगल पर अवेलेबल है मैं कुछ नया नहीं बता रहा तुम लोगों को लेकिन मैं जो बता रहा हूं उससे जो सीख के जाओगे वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है इन 1950, फिफ्टी जापैन सेट अ गोल्ड टू बिकम नंबर वन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैडम इसको बंद कर दो मोबाइल को नंबर वन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1950 में इन द वर्ल्ड कहां पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनेगी और मैं आपको बता दूं जहां जमीन ही खराब है वहां कपड़े की बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जमीन खराब है रिसोर्सेज नहीं है लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया हमारी इज्जत करने लग जाए और जब दुनिया इज्जत करेगी तो हमारे अपने लोग भी हमारी इज्जत करेंगे तो लेट्स मेक वर्ल्ड प्राउड ऑन अस 1950 में जापान ने गोल सेट किया गोल सेट करने से होता क्या है गोल सेट करने से यह होता है कि आपको एक जगह मिल जाती है कि यहां पर मुझे जाना है फिर रास्ते बनते हैं आपने गोल सेट किया कि मैं सत्रह तारीख को रेडिसन फरीदाबाद पहुंचूंगा रास्ता बनाया किसी ने बस से आया कोई ट्रेन से आया कोई कार से आया कोई जहाज पकड़ के आया लेकिन बिना गोल सेट किए कोई रेडिसन नहीं आया जिन्होंने सेट नहीं किया साल अपने घर बैठे होंगे शायद दी 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 दी। तो गोल गोल सेट हुआ बड़ा गोल। दस साल में बिकम द नंबर वन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू उठ आते आते जापान बिकम नंबर वन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दस साल में जापान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में नंबर वन था दुनिया में इज्जत होने लगी कि एक कंट्री जो पूरी तरह से डिमोरलाइज था जिनके पास साला करने को कुछ नहीं था सॉइल खराब हो चुका था यह आज दुनिया में नंबर वन हो गई अपनी कंट्री के लोगों ने इज्जत करनी शुरू कर दी और 1960 में जापान ने इस पूरी दुनिया को देने वाला एक डिसीजन लिया पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला डिसीजन लिया उन्होंने बोला सेट अनदर अदर कोल विल बिकम द नंबर वन इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग यार रुकेंगे नहीं अब जापान को लेके जाना है अलग लेवल पर ठीक है गिर गए ठीक है मर गए ठीक है हमें दबाया गया ठीक है तीन लोग लाख तीन लाख लोग हमारे मारे गए ठीक है हमारी इकोनॉमी खराब हो गई कब तक रोते रहेंगे निकलते हैं बाहर 1960 में उन्होंने टारगेट लिया गोल लिया क्यों बिकम नंबर वन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सॉरी इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग इन द ने नेक्स्ट टेन ईयर्स और मैं आपको सबसे हैरान करने वाली बात बता दूं कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो समझते हैं कि स्टील बनाने के लिए आयरन ओर और कोल की जरूरत होती है विदाउट आयरन ओर और कोल आप स्टील नहीं बना सकते और दिक्कत यह है कि जापान में ना आयरन ओर है ना कोल है अब जिस कंट्री में ये दोनों कंपोनेंट ही नहीं है जिससे स्टील बनता है वो कंट्री कह रही है कि सिर्फ दस साल दस साल को बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता ऐसे निकल जाते हैं वो दस साल में हम दुनिया में नंबर वन स्टील बनाएंगे कैसे बनाओगे ना आयरन हो रहा है ना कोल गया इंपोर्ट करेंगे कुछ करेंगे रास्ते बनाएंगे दिमाग चलना शुरू होता है जब आप गोल सेट करते हो योर माइंड वर्क तुम्हारा दिमाग तुमको खुद बताता है मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं जिस दिन तुमने टारगेट बनाया कि मैं दस हजार रुपए कैसे कमाऊंगा तुम्हारा दिमाग तुमको बताएगा कि हाउ टू वन टेन थाउजेंड रुपीज तुम टारगेट बनाओ कि तुम पचास हजार पर मंथ कैसे कमाओगे तुम्हारा दिमाग तुम्हें पचास हजार कमाने का रास्ता बताएगा तुम टारगेट बनाओ कि मैं लाख रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं स्वीट हार्ट तुम्हारा दिमाग तुमको पांच लाख रुपए कमाने का टारगेट रास्ता बताएगा लेकिन अगर तुम टारगेट सिर्फ दस हजार कमाने का सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको पांच लाख कमाने का रास्ता कभी नहीं बताएगा बताएगा ही नहीं यहां से अमृतसर साढ़े पांच सौ किलोमीटर है तुम जहां का टिकट लोगे ट्रेन वहीं तो छोड़ेगी तुमने टिकट लिया पानीपत का तो अमृतसर नहीं पहुंचोगे यार जहां तक का टिकट लोगे रास्ता तुम्हें वहां तक तय कर सकते हैं तो अगले दस साल उन्होंने कहा हम स्टील इंडस्ट्री में नंबर वन बन जाएंगे उन्नीस आते आते जापान बिकम नंबर वन इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कहा ने रुके नहीं बोला ना विल बिकम नंबर वन इन ऑटोमोबाइल सेक्टर इन द नेक्स्ट 10 इयर्स 1980 आते आते हम इस दुनिया में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे और 11 साल के अंदर जापान बिकम नंबर वन इन ऑटोमोबाइल सेक्टर ये वो कंट्री की हालत थी जो दुनिया को लीड कर रहा था इतना गिरने के बाद जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग विदाउट सेटिंग you will लीड nowhere. आप कुछ नहीं कर सकते जितना मर्जी आप में पोटेंशियल हो आप जितना चिल्लम चिल्ली करें हल्ला मचाएं, शोर मचाएंगे, मैं चांद पे घर बना लूंगा कुछ नहीं होगा जब तक आप गोल सेट